हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम दो कलर में डिजाइन बनाएंगे। इस डिजाइन को लेडीज कार्डिगन, बच्चे के स्वेटर में, कैप में डाल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इस डिजाइन को आप चाहेंगे तो पूरे स्वेटर में डाल सकते हैं या नीचे की साइड डाल सकते हैं, तीनों साइड से जैसे भी बुनेंगे बहुत ही अच्छा लुक बनकर आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ हम 17 फंदा डालकर तैयार किए हैं। इतना फंदे में हम एक डिजाइन बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम किनारे 8 फंदा बुनेंगे। फिर एक फंदा हम ब्लू कलर से बुनेंगे। एक फंदा हम ब्लू कलर से बुनेंगे किनारे। फिर हम 8 फंदा पीले कलर से बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 8 फंदा हम बुनकर कंप्लीट कर चुके हैं। उल्टी साइड में बुनेंगे। ये डिजाइन दोनों तरफ से बनेगी। फिर यहाँ हम 7 फंदा पीले कलर से बुनेंगे। फिर ब्लू वाला फंदा, एक एक फंदा अगल बगल से बढ़ाकर 3 फंदा हम ब्लू कलर से बुनेंगे। 1, 2, 3। फिर किनारे 7 फंदा हम पीले कलर से बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। किनारे यहाँ 7 फंदा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर चुके हैं। अब डिजाइन की सीधी साइड में दूसरी सिलाई हम बुनेंगे। ब्लू वाला फंदा को हम एक एक फंदा अगल बगल से बढ़ाकर 5 फंदा करेंगे। तो यहाँ अब हम 6 फंदा पीले कलर से बुनेंगे। यहाँ 5 फंदा ब्लू कलर से बुनेंगे। दोनों तरफ से एक एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। फिर यहाँ किनारे हम 6 फंदा पीले कलर से बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड में दूसरी सिलाई हम बुनकर कंप्लीट कर चुके हैं। अब फिर उल्टी साइड में बुनेंगे। अब यहाँ हम 5 फंदा बुनेंगे पीले कलर से। ब्लू वाला फंदा को एक एक फंदा अगल बगल से फिर बढ़ा लेंगे। 7 फंदा बुनेंगे। फिर किनारे 5 फंदा हम पीले कलर से बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब हम डिजाइन की सीधी साइड में चौथी सिलाई बुनेंगे। 7 फंदा को 9 फंदा बुनेंगे ब्लू कलर से। किनारे 4 फंदा पीले कलर से बुनेंगे। यहाँ 9 फंदा बुनेंगे। एक एक फंदा अगल बगल से ले लेंगे। किनारे 4 फंदा पीले कलर से बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब उल्टी साइड में बुनेंगे। 4 फंदा, यहाँ अब 4 फंदा है तो 4 फंदा पूरा हम पीले कलर से बुनेंगे। फिर एक फंदा ब्लू कलर से बुनेंगे। 3 फंदा पीले कलर से बुनेंगे। यहाँ जो 9 फंदा बीच में है, एक फंदा ब्लू कलर से बुनेंगे। फिर 3 फंदा पीले कलर से बुनेंगे। 2
तीन, फिर बीच में एक फंदा ब्लू कलर से बुनेंगे, तीन फंदा पीले कलर से बुनेंगे, एक दो तीन, लास्ट वाला एक फंदा फिर ब्लू कलर से बुनेंगे। किनारे हम चार फंदा पीले कलर से बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब हम डिजाइन की सीधी साइड में पांचवी सिलाई बुनेंगे। तो यहाँ चार फंदा है तो चार फंदा पूरा हम पीले कलर से बुन लेंगे। फिर एक फंदा हम ब्लू कलर से बुनेंगे, एक फंदा पीले कलर से बुनेंगे, एक फंदा ब्लू कलर से बुनेंगे, फिर एक फंदा पीले कलर से बुनेंगे, एक फंदा ब्लू कलर से बुनेंगे, एक फंदा पीले कलर से बुनेंगे, फिर एक फंदा ब्लू कलर से बुनेंगे, एक फंदा पीले कलर से बुनेंगे, लास्ट वाला एक फंदा ब्लू कलर से बुनेंगे। किनारे फिर हम चार फंदा पीले कलर से बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन की पांचवी सिलाई सीधी साइड में कंप्लीट कर चुके हैं। अब उल्टी साइड में बुनेंगे। यहाँ चार फंदा है तो चार फंदा हम पीले कलर से बुन लेंगे। यहाँ हम ब्लू कलर से तीन फंदा बुनेंगे, एक दो तीन, फिर एक फंदा पीले कलर से बुनेंगे, एक फंदा ब्लू कलर से बुनेंगे, एक फंदा पीले कलर से बुनेंगे। इसके बाद तीन फंदा हम ब्लू कलर से बुनेंगे, एक दो तीन। किनारे का चार फंदा हम पीले कलर से बुन लेंगे। तो उल्टी साइड बुनकर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक डिजाइन बनाकर हम कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत ही जल्दी बन गई है। आप इसको जब स्वेटर में बुनेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। ये रही फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।